हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक का रिव्यू लेकर आने जा रहा हूं, जिसका नाम है हाई स्पीड इन्फिनिटी SR150। ये सेकंड हैंड बाइक है जिसका मैं आपको रिव्यू दूंगा, और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, और ये काफ़ी ज़्यादा कम चली हुई भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी भी है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो दो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम शोरूम के लिए निकल चुके हैं, तो वहां पर जाकर मैं आपको उस बाइक का रिव्यू भी दूंगा। तो बाकी आप देख सकते हैं कि गर्मी काफी ज्यादा है, तो अभी वहां पर ही जाकर मैं आपको मिलता हूँ शोरूम के ऊपर ही, तो वहां पर जाकर आपको उस बाइक का मैं रिव्यू देता हूँ। शोरूम पर पहुंच चुके हैं, हमारे सामने काफी ज्यादा बाइक खड़े हैं, लेकिन जिसका रिव्यू हमने करना है वो है हाई स्पीड इन्फिनिटी SR150। जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हमें 150 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रंट टायर पर आ जाते हैं। तो इसके फ्रंट टायर का साइज 2.50-17 इंचेस के हमें इसके अंदर टायर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर हमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम इसके ग्राफिक के ऊपर गौर करते हैं, तो इसके ऊपर हमें हाई स्पीड की प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है, नीचे से ब्लैक लाइन के अंदर 92 लिखा हुआ। काफी ज्यादा स्पोर्टी बाइक लगती है। तो इसका इंजन आप दोस्त देख सकते हैं, इसके अंदर हमें 150 सीसी का इंजन हमें इसके अंदर इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर अब 5 गियर्स देखने को मिल जाते हैं। तो टापे के ऊपर हमें इसके इन्फिनिटी SR150 की प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा इसके साथ ग्राफिक्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। के बैक टायर के बारे में, तो बैक टायर का साइज भी 2.50-17 देखने को मिल जाता है। तो बाकी इसके यार शाख इसके काफी ज्यादा नरम देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं जी इसकी स्टार्टिंग के बारे में, तो ये हमें सेल्फ स्टार्ट वाले ऑप्शन में भी देखने को मिल जाती है, और ये किक स्टार्ट वाले ऑप्शन में भी देखने को मिल जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन की बाइक यही है, और इसके व्हील का साइज तो मैं आपको बता चुका है। तो इसके ड्राइव वेट के बारे में बात कर देते हैं, तो इसका ड्राइव वेट 160 kg हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके पेट्रोल की कैपेसिटी 15 लीटर का हमें इसके अंदर टैंक देखने को मिल जाता है। तो फ्यूल की एवरेज इसकी हमें 35 km/L की देखने को मिल जाती है। तो इसकी टॉप स्पीड 100 km हमें देखने को मिल जाती है पर ओवर के अंदर। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 132 mm हमें देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में, अब इसकी प्राइस हमें 4,30,000 देखने को मिल जाती है। तो इस बाइक की प्राइस हमें 3,75,000 रुपये में ये बाइक हमें देखने को मिल जाएगी। तो आपको मैं इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो जिसे वो बाइक लेना चाहें तो वो वहां पर कॉन्टैक्ट कर बाइक को ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो जिन भाइयों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो दो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियोज़ आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी।